আছে দেবতা, আর তার মতন আজ তাহলে আমার ইলো তো বাইতালে ওর মানে পাত হারাই দুলিয়া যা বাড়িতে দুলিয়া যা ফুলে দুলিয়া যা হতিছে মার পাত তালু দেয়ালিয়া তা খেও মামা আন্দা তারা বিয়ালিয়া हाँ जी, हवा गुली हुई है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी जी सुबह का टाइम है और रात को, हाँ जी कुछ सुबह ने बता दिया, बाकी मैं बता देती हूँ कि रात को, रात से हमारे पास जो है ना काफ़ी तेज़ तूफ़ान था और सारी चीज़ें ना उड़ फुड़ गई हैं। बाकी जो है अभी हवा जो है वो थोड़ी साफ़ हो चुकी है, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा गिरद गुबार था और अभी बारिश फिर से हल्की हल्की आना शुरू हो चुकी है और इस साइड पर काफ़ी सारे बादल ही बादल है जो हर तरफ बादल है। अभी मोहम्मद सुबान बोल रहे हैं कि हवा घुली हुई है और बारिश भी घुली हुई यानी कि चल रही है, उसका मतलब कहने का था। तो अब जो है मैं बना रही थी नाश्ता, तो बाहर नाश्ता बन नहीं रहा, मैंने कहा चले किचन में आग जलाते हैं और जल्दी से वहीं पे नाश्ता जो है वो तैयार करते हैं। चूल्हा हमारा जो है वो वाला उठा के लेके गए हम साए, उन्होंने आग जलाई हुई है तो मैं जलती जलाती आग इधर ले आती हूँ। फिर सोना लगता फिर सोना पीछे हट जाओ, आग नहीं तेज ने। तो अभी जी चूल्हा जो है वो मैं ले आई हूँ इधर किचन में, तो मैंने कहा यहीं पे बैठ के ना रोटी बना लेते हैं, लेकिन अंदर धुआं काफी ज्यादा बन गया। हवा बाहर काफी तेज चल रही है और साथ में हल्की हल्की बारिश फिर होना शुरू हो जाती है, कभी हो जाती है कभी रुक जाती है, बस ऐसे ही बना हुआ है। नाश्ता हमारा जो है वो तैयार हो चुका है, मैं बच्चों को नाश्ता करवा रही हूँ, खुद भी कर रही हूँ, साहब भी गए थे और इस साइड पे अभी फिलहाल बारिश भी अब काफी तेज शुरू हो चुकी है, वो भी बादलों वाली, बादल जो है ना वो भी बारिश बम आनी चाहिए। हाँ, ये तो नहीं पता कि हम किन मुश्किलात में थे। हाँ जी, सबको ये नहीं पता और हम क्यों रोके हुए थे कि हमने बरामदा क्यों नहीं बनाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वक्त आने पे बताएंगे ना, वो वक्त आने पे आपको बताएंगे। आपको क्या शौक है बाहर जाने का? अगर ऐसे काम पर ही हो तो अंदर बैठ जाओ ना। चलिए जी, तो अभी नाश्ता जो है वो हमने कर लिया और बारिश जो है वो हल्की हल्की लगी हुई है बूंदा बांदी, और इस साइड पे चूल्हे पे ना हमारा दूध रखा हुआ है और चाय बनाने वाली है, तो चाय बनाते हैं और फिर जो है ना खूबसूरत से मौसम में चाय पियेंगे और इंजॉय करेंगे चाय को भी। और आज दरवाजे का कलर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ऊपर जब पानी पड़ा है ना इसलिए। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हल्की हल्की बूंदा बांदी जो है वो जा रही है और यहाँ पर तैयार हो रही है जी हमारी चाय। आज हमने चाय जो है वो ढेर सारी तैयार की है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो भी कह रहे हैं कि हमने पीनी है। पहले मैं उनको चाय नहीं देती, कभी कभी दे देती हूँ, वरना ज़्यादातर मैं अपने लिए बस एक कप बनाती हूँ। तारिक साहब भी नहीं पीते हैं और बच्चों को भी मैं नहीं देती, बस खुद ही पी लेती हूँ। तो आज थोड़ी ज़्यादा बनाई क्योंकि मौसम भी चाय पीने वाला है,
इसलिए अभी चाय हमारी जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है और अब हम इसको निकालते हैं। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह चाय हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है और इधर बंदे शौकीन पी रहे हैं क्योंकि सर्दी आई है, सर्दी में बारिश में बाहर जो है ना वो खेल रहे थे, इसलिए अब चाय मजे मजे से पी रहे हैं। कैसी बनी है? मजे की है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और यहाँ पे फजर जो है ना, इसने आज ये बड़ा ही बुरा काम किया। मम्मा जी ये मुझे बैठी हुई से मैंने इसको उठा कर ना कमरे में लेकर आ गए, इसको इसका ये उड़ नहीं सकते। अच्छा सही है, मैंने कहा शायद इसने खुद पकड़ी है, लेकिन ये कह रही है कि मुझे बैठी हुई दिसी थी मुझे बैठी हुई नजर आई थी, ऐसे बोलते हैं बेटे। तो ये ना तितली जो है ना, फजर कह रही है कि नीचे बैठी हुई थी और मैंने ना उठा ली, क्योंकि ये ना उड़ नहीं सकती, इसका एक पर जो है वो नहीं है, इधर वाला है ना फजर, ये टूटा हुआ, ये टूटा हुआ, इसलिए ये बेचारी नहीं उड़ सकती। और ये लेकर आई है इसको, तो अब इसकी थोड़ा सा ट्रीटमेंट करो ना, ये सेट हो जाए। हैं, इसको बस खिलाओ, पानी पिलाओ, पानी खिलाओ, फिर सही हो जाती है, सही हो जाती है। बाल देखो अपने, क्योंकि पानी ऊपर बारिश का पड़ा नहीं, इसलिए फिर ऐसी हो गई। बस दिखाओ जवान मुझे, देख बन गई चाय की, आपकी भी बन गई, चल इधर लो खेलो अब। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह घर की सारे काम जो है वो मैं मुकम्मल कर चुकी हूँ और बस बारिश जो है वो वक्फे वक्फे के साथ जारी है, पहले थोड़ी देर रुक गई थी और अभी फिर से शुरू हो चुकी है। फजर बेटी को मैंने चारपाई बाहर निकाल कर दी थी कि वो जो है पहले वो सोई हुई थी, फिर मैंने इसको काम दे दिया, मैंने कहा साथ साथ में काम करती थी। ये तो रजिस्टर सारा गीला हो रहा है और अभी हम जल्दी से चारपाई जो है ना इसको अंदर डालते हैं। खुद छुप के बैठी और सारी चीजें ऐसे लेकर बैठी, इधर मुझे पकड़ाओ जल्दी, बैग में डाल लो, आ जाओ कमरे, निकल आई फिर लिख लो। हाँ जी चारपाई अंदर डालते हैं। हाँ जी मैं नहीं पढ़ने देती है। ये आपको नहीं पढ़ने देती, वो खड़ी हो जाओ, बारिश आ रही फिर सो गई, खड़ी हो रही, मैं चारपाई अंदर रखती हूँ क्योंकि इस साइड पे काफी गहरे बादल है। और कमरे की सफाई जो है ना वो भी मैंने कर ली है, साफ नीट हो गया कमरा। और अभी जल्दी से हम ना, हाँ जी मामा, हाँ जी अल्लाह, सारी चीजें तेरी क्या लेना है? तो आप उसकी बैग चीजें खराब करते हो ना, इसलिए वो बेचारी नहीं देती है। अभी फिर से यहाँ से गीला होना शुरू हो गया बारिश की वजह से। फिलहाल जी जानवरों, तो फिलहाल जी घर के काम जो है ना वो तो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन एक और काम जो हमारा है वो है जानवरों का, क्योंकि हर तरफ आप देखें बैलगाड़ियाँ जो हैं वो आई हुई हैं और धड़ाधड़ लोग जो है वो चारा लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जब बारिश ज़्यादा हो जाएगी तो फिर काफ़ी मसला बनेगा। तो आज हमें चारा जो है वो भी अपने हाथों पे ही काटना पड़ेगा, इसलिए हम भी अपना चारा जो है ना वो काट लेते हैं उधर से और फिर हाथों पे काट के जानवरों को डालेंगे। तो अगर बारिश ज़्यादा आ गई, क्योंकि इस साइड से अभी काफ़ी गहरे बादल हैं जो अभी चल रहे हैं, तो अगर ज़्यादा बारिश आ गई तो फिर चारा काटना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चारे में हो जाएगा पानी। इसलिए आप क्या कर रही हो इधर? चलें जी, बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है और मैंने कुछ कचरा जो वहाँ से निकाले, ज़्यादातर जो था ना वो यहाँ से निकाले, क्योंकि यहाँ पे जो पौधे हैं, एक तो उनकी छांटी की है, कुछ पौधे जो है मैंने इसमें से निकाल दी और वहाँ पर भी काफ़ी सारी घास हो रही थी और उसको मैंने ना निकाल दिया है, ताकि ये वाली जो बेलें हैं ना सब्ज तोरी की, ये आराम से ऊपर दीवारों पे चढ़ जाएं। तो ये सारी सफाई हो चुकी है और बारिश तेज़ हो चुकी है फिलहाल, तो कचरा उठा के फेंकते हैं बाहर और फिर चलते हैं बच्चों के पास। कौवा बेचारा जो है वो भीगा बैठा है। फिलहाल जी बारिश जो है ना वो थोड़ा तेज़ हो चुकी है और साथ में हवा जो है वो भी काफ़ी तेज़ चल रही है, तो आज सारा दिन ही तकरीबन बारिश जो है वो इसी तरह हल्की हल्की लगी रही है। फजर और मोहम्मद सुबहान जो है ना वो सो गए हैं, क्योंकि मैंने इनको दूध दिया था तो मैं काम करने चली गई थी और ये दोनों बहन भाई जो है ना इनको आ गई थी नींद और ये लोग सो गए हैं। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह दिन के जो है
12 बज चुके हैं और बस काम करते करते एक दफ़ा चूल्हा समेटा है और दूसरी दफ़ा भी फिर जो है ना चूल्हा जला के बैठ गई हूँ। तो दिन के 12 बज चुके हैं, हल्की हल्की बारिश आज सारा दिन ही लगी रही है और मैंने कहा चलें आज हम बारिश में ना कुछ मीठा ही बना लेते हैं, क्योंकि सारा माह रमज़ान तो हमने नमकीन ही खाया, ज़्यादातर पकौड़े खाए हैं, तो बारिश में हमेशा जो है पकौड़े बनाए जाते हैं। तो मैंने कहा चलें आज हम ना कुछ मीठा बना लेते हैं। तो मीठे में ना आज हम लोग बना रहे हैं सेवइयां। तो जो चीज़ घर में पड़ी हुई थी ना, तो मैंने कहा चलें इसी को बना लेते हैं। पहले ना इसको ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे ना ये लंबी लंबी होती है ना, इसलिए तो इसको निकाल के रख लेते हैं बर्तन में। तो ये वाला काम जो है वो थोड़ा जल्दी जल्दी में भी हो जाएगा, जल्दी जल्दी से। और खाना हमने नहीं बनाया, हमने कहा चले खाना अभी इकट्ठा एक ही बार जो है वो शाम को बनाएंगे। और देगची को रखते हैं चूल्हे पे। बस शुक्र है कि हमारी आग जो है वो जल्दी जल जाती है, क्योंकि हमारी लकड़ियां जो है ना वो काफ़ी खुश्क हैं। और इसमें डाल देंगे घी, थोड़ा सा डालना। असल में मुझे इसलिए बाल्टी सारी ऊपर ऐसे करनी पड़ी है क्योंकि मेरे पास जो था ना ये चम्मच चाहिए था, वो दूसरा सुराखों वाला, अगर मैं इससे निकालती तो वो सारा गिर जाना था। तो इस इन समयों में जो है ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होती घी की। तो साथ ही मैं यहाँ पे लेकर बैठी थी जी सब्ज़ इलायची, इनको ऐसे तोड़ लिया था और अब हम घी में डाल देते हैं ये इलायची। घी को हल्का सा गर्म कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे सेवइयां। घी भी हमारा गर्म हो चुका है क्योंकि आग माशाल्लाह हमारी काफ़ी अच्छी जल रही थी। और अब हम इन सेवइयों को ना घी में डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसकी ना कर लेंगे हल्की हल्की सी बुनाई घी में। तो यहाँ पे जी अभी हमारी जो सेवइयां हैं ना उनकी बुनाई हो चुकी है और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे चीनी। इधर हमारे पास है ये किशमिश और गरी, ये भी डाल देते हैं। अब पानी जो है ना इसको अच्छे से खुश कर लेंगे और फिर हम इसको लगाएंगे दम। तो यहाँ पे जी बारिश जो है वो फिर से तेज़ हो चुकी है और हमारी सेवइयां जो है ना वो भी हो चुकी हैं, तकरीबन तैयार हो चुकी हैं। अरे बादल गरजने की आवाज़ें जो है ना वो भी ज़ोर शोर से आ रही हैं। तो पानी इसमें जैसे ही खुश्क होता है तो फिर हम इसको लगा देते हैं जी दम। तो यहाँ पे जी पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो गया, बहुत ज़्यादा तो नहीं हमने डाला था, जितनी सेवइयां थी उस हिसाब से डाला है। तो अब हम इसको ना लगा देते हैं ऊपर से दम और नीचे उतार के रख देते हैं, क्योंकि इनको जो दम होता है वो नीचे उतार के ऐसे बस रख दे तो समझ रहे दम जो है वो लग जाता है। अभी 4 से 5 मिनट ये ऐसे ही जो है पड़ी रहेंगी तो फिर हम इनको ना निकालेंगे। और भाई बारिश फिर से लग गई।
तो यहाँ पे जी सवैया हमारी जो है ना वो हो चुकी हैं तैयार, और इनको मैंने ना दम से उतार लिया है नीचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चेक करें जी, चेक करें, माशाल्लाह ज़बरदस्त सवैया हमारी जो है ना वो तैयार हुई हैं। और इनको डालते हैं प्लेट में। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह सवैया जो है वो मैंने बना ली और साथ में प्लेट में भी डाल ली, और अभी चलते हैं हमसायों के बच्चों को पहले देते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो तो सो रहे हैं और उनके बच्चे जो हैं वो जाग रहे हैं, तो उनको देते हैं, और उसके बाद फिर जो है ना मोहम्मद सुबहान और फजर जो है ना वो भी उठ जाएँगे, फिर उनको भी खिलाएँगे। और घर में पानी जो है वो जगह जगह पर ना जमा हो चुका है, और इस साइड पर हमारा ये वाला जो किचन है इसके ऊपर छत पर थोड़ा सा भी पानी है ना तो वो भी इस पाइप में निकल रहा है। ये तारिक साहब ने बहुत अच्छा किया था, लगा दिया था, क्योंकि पहले हमें इसके ऊपर तरपाल डालनी पड़ती थी और अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा पानी जो है वो इसमें नीचे आ जाता है। तो चलें जी, यहाँ पे जो है मैं देने जा रही हूँ हमसायों को सवैया, और पानी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा खड़ा हुआ है। तो असल में जहाँ पे ना रेत होती है ना वहाँ पे बिल्कुल भी कीचड़ नहीं होता, बंदा आसानी से चल सकता है, लेकिन जहाँ पे ये जो है ना हमने लिपाई की हुई है ना तो वहाँ पे कीचड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। चलें अभी इससे पहले कि सवैयों में ज़्यादा पानी चला जाए हम उनको दे ही देते हैं डूबी हुई सवैया, फिर वो बीच में से उठा उठा के खाएँगे। चलिए जी, उनके दरवाज़ा बंद है, अभी उनको बुलाते हैं और उनको दे देते हैं सवैया। तो अभी जी सवैया जो है वो मैंने दे दी हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों को अंदर ढका हुआ है, बंद किया हुआ है, क्योंकि फिर वो बाहर निकलते हैं। और इनके किचन में चेक करें, पानी पानी हो चुका है हर तरफ। शेड बना हुआ था तो ठीक था, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना शेड इन्होंने उतार दिया है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर नया शेड बनाना था, फिर गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, भाई जो है वो रोज़े रखते थे फिर इसलिए नहीं बना पाए। तो अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो यहाँ पर अपना एक और शेड बना लेंगे गर्मियों में। तो यहाँ पर हमारी जो भैंसें हैं ना वो भी काफ़ी ज़्यादा आज मज़े का रही है। हाँ जी, कोई परेशानी तो नहीं है ना, ठीक हो, जुगाली कर रही हैं, और आज इनकी गर्मी जो है वो समझ लें निकल चुकी है, क्योंकि बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा है ना इसलिए। तो आज फिर जी बारिश में नहाते हुए जो है ना जा रहे हैं ये बकरियों का रेवड़। तो ये बस ऐसे जो है बारिश बारिश में जो है बकरियों को चुरा के वापस आ जाएंगे, सुबह के निकले हुए हैं, तो अभी अगर ये वापस जाएं तो फिर भी जानवर जो है वो समझ ले भूखे रहेगी। तो इनका ज़्यादातर जो दारो मदार होता है ना वो चरे पे ही होता है, यानी कि चरा लेते हैं बस उनको। और कौवा देखें कैसे भीग चुका है बेचारा, इधर आ जाओ। सारे कौवे जो है ना ऐसे घूम फिर रहे हैं, कुछ पक्का नहीं है, सवैयाँ पकाई हैं मैंने अभी, वो देती हूँ आप सबको। चले जी, बारिश तो अपनी मौज से लगी हुई है। तो चले जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह सवैया जो है वो मैंने हमसायों को दे दी हैं, और अभी हम लोग चलते हैं घर और ख़ुद भी कुछ मीठा जो है ना वो चख लेते हैं, क्योंकि टाइम 12 बजे से मैं शुरू हुई थी, फिर अभी 1 बज चुका है। तो अभी हम लोग जो है ना चलते हैं और मीठा खाते हैं, और तारिक साहब और बच्चे जो हैं वो कमरे में, क्योंकि तारिक साहब की भी थोड़ी सी तबीयत सेट नहीं थी और बच्चे जो है वो सो रहे थे तो वो उनके पास ही हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगर बच्चे उठ चुके हैं तो उनको भी सवैयाँ दे देते हैं और ख़ुद भी खा लेते हैं। और आज का जो व्लॉग है वो मैंने स्पेशली अपनी बहनों की रिक्वेस्ट पे बनाया है, क्योंकि सभी कहते हैं कि जब बारिश आए तो आप बारिश में व्लॉग ज़रूर बनाया करें, क्योंकि हमें बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए मैंने जो है ना आज बारिश में खड़े होकर व्लॉग बनाया। बस जी, आपने जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर देना और अच्छा सा कमेंट जो है वो ज़रूर करना है। बाकी और इस साइड पे जी ये भी खुश हो गया आज, कैसे इसके ऊपर ना पानी पानी है और कितना खूबसूरत लग रहा है, हर तरफ पानी पानी हो गया, हमारे घर के फ्रंट पे भी पानी पानी हो रहा है। लेकिन ना जब बारिश आई ना तो दरवाज़े बड़े खूबसूरत लग रही हैं हमारे, उस कमरे का भी और ये वाला भी, क्योंकि इन पे पानी पड़ा है ना, और यहाँ पे चेक करें सारा पानी, और घर में भी पानी, इससे बेहतर है कि रेत ही हो हर जगह पे ना, क्योंकि रेत पे बंदा गिरता नहीं है। ये चेक करें, इधर बंदा उठा हुआ है,
ईद मुबारक, चौथे दिन उठ गई हो? सवैया लाऊं मोहम्मद सुबान? चलिए जी, मोहम्मद सुबान को देते हैं पानी। और यहाँ पे जो है, इस साइड पे चेक करें, माशाल्लाह पानी अच्छा हो गया माशाल्लाह से। अभी आप सभी भी कह रहे हैं कि माशाल्लाह हो रही है कि घर में पानी जमा हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो लेवल है ना, वो भी ठीक नहीं था, इसलिए तो इस पानी को जो है ना, वो इस तरह बाहर निकालना पड़ेगा। अभी कवा नहा के ना अपनी जो है वो सफाई शफाई कर रहे हैं। चलिए जी, तो अभी मैं मोहम्मद सुमान के लिए लेकर जा रही हूँ सवैया। फजर अभी तक सो रही है, तो उसको खिलाते हैं। इधर चेक करें, जूतों में भी पानी पानी है। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा इसलिए रखा हुआ था ताकि पानी जो है वो अंदर कमरे में ना जाए। उठ गए, सो भी लिया, इतनी जल्दी उठे? चलो सवैया खाओ मेरे बेटे के लिए।